हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिंदा दिलों के शहर लाहौर, और लाहौर के अंदर आप बहुत ही मज़े की चीज़ें दिखने वाले हैं। स्पेशली हम जाएंगे अंदरून लाहौर में और आप लोगों को दिखाएंगे मज़े के खाने, और हम जाएंगे कुकूज़ रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एक म्यूज़ियम है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा लाहौर से आगे मैं जाऊँगा मज़ीद शहरों में, मज़ीद जगहें एक्सप्लोर करूँगा, मज़ीद नए नए खाने ट्राई करूँगा, और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि आने वाले चंद हफ्तों में आप बहुत ज़बरदस्त कंटेंट देखने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं होटल, ज़रा चेक इन करते हैं और फिर चलते हैं लाहौर की तरफ, अंदरून लाहौर की तरफ। तो फिर चलें। ओके भाई, शाम हो चुकी है, ज़रा होटल पे चेक इन करके हमने थोड़ा आराम किया था। मगरिब होने वाली है और मगरिब पे जो फूड स्ट्रीट है ना, वो उसकी रौनकें बहाल हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जिस फूड स्ट्रीट पे हम जा रहे हैं वो शाही किले और बादशाही मस्जिद के पीछे ही है, और वो कहलाता है शाही मोहल्ला। अभी शाम का टाइम है, जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे जो है ना वो रौनक यहाँ पे बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। और सामने ये नज़र आ रहा है किले का दरवाज़ा, क्योंकि ये जो शाही मोहल्ला है ये किले के साथ ही था, और अब इसको एक तरह से पूरी फूड स्ट्रीट बना दिया गया है। यहाँ से हमें ये मीनार भी नज़र आ रहा है बादशाही मस्जिद का। चाय बना रहे हैं, तंदूरी चाय सर। तंदूरी चाय? जी जी। अच्छा अच्छा, तंदूरी चाय के लिए चाय बना ली हुई है। स्टॉल भी मशीन भी है ना, साथ में चला। तंदूरी चाय दो यहाँ पे आए और आप बादशाह बने, और बादशाह बन के आप तस्वीर खींच रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। कितने पैसे होते हैं तस्वीर खिंचवाने के, क्या होता है सीन? 150 गोस्ट स्ट्रीम का रेंट है 480 पर। तस्वीरों के हिसाब से होते हैं ना, जितनी तस्वीरें पसंद करती हैं उतनी मिलती है। पागल दीवाना बन के दिखाओ, पगला दीवाना। एक्शन लगा रहा है अभी, वो बॉडी बनाकर दिखाएगा बच्चों को एक्सरसाइज कैसे करते हैं। बॉडी बना रहा है, जिम करके दिखा रहा है। इनाम भी लेकर आओ साहब से। अरे भाई, इनाम लेने आ गया भाई साहब से। इनाम डाल रहे हैं साहब, इनाम भी डाल रहे हैं मंकी के बक्से। अरे ये आ गया, अब शुक्रिया ही बोलो साहब को। थैंक्स बोलो भाई, थैंक्स। भाई बेसिकली ये जो फूड स्ट्रीट है ना, यहाँ पे एक मेले का समय होता है। यहाँ पे जो है वो बादशाह बन के आप तस्वीरें खिंचवा लें, यहाँ पे जो है आप बंदर का तमाशा देख लें, यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का टूरिस्ट स्पॉट है ये, बहुत ही ज़बरदस्त मॉल बना हुआ है, और यहाँ पे बादशाही मस्जिद का, शाही किले का नज़ारा भी आप कर सकते हैं। क्या बात है। ओके भाई, तो सीन ये है कि ये जो फूड स्ट्रीट है, फोर्ट रोड की फूड स्ट्रीट कहलाती है ये, इसको शाही मोहल्ला भी कहा जाता था पहले। और यहाँ पे जो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट बना था, जब यहाँ पे ये इस तरह की फूड स्ट्रीट वगैरह नहीं थी, वो था कुकूज़ डैन। और उसके बाद जब ये कुकूज़ डैन यहाँ पे बना, तो उसके बाद से यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट बनते गए। ये जो पुरानी यहाँ पे घर थे, मकान थे शाही मोहल्ले के, उन मकानों को रेनोवेट किया गया, और इस तरह से इसको पूरा एक कल्चरल फूड स्ट्रीट बना दिया गया। तो ज़रा कुकूज़ डैन के अंदर भी चलेंगे, क्योंकि ये पूरी म्यूज़ियम की तरह का रेस्टोरेंट है। खाली रेस्टोरेंट नहीं है ये, बल्कि एक पूरा म्यूज़ियम है, और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो कुकूज़ डैन के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाली नवाब बेगम 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आईं और लाहौर के शाही मोहल्ले में रिहाइश इख्तियार की। गबरा
1996 में नवाब बेगम के बेटे इकबाल हुसैन और बेटी शगुफ्ता बेगम ने अपने इसी घर में एक रेस्टोरेंट का आगाज किया जिसका नाम कुकूज डेन रखा गया। इकबाल हुसैन को मुसव्वरी का शुरू से ही शौक था। उन्होंने इस इलाके के दुख दर्द को अपनी पेंटिंग्स के जरिए उजागर किया और दुनिया भर से पजीराई वसूल की। कुकूज डेन अपनी मुनफरिद लोकेशन, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, जायके और इकबाल हुसैन की पेंटिंग्स की वजह से देखते ही देखते पूरी दुनिया में मकबूल हो गया। आजकल कुकूज डेन का इंतजाम नवाब बेगम के नवासे अबरार हुसैन संभाल रहे हैं। हम लोग आए थे 1947 में इंडिया पटियाला से। तब से ये जो बिल्डिंग है ये हमारे पास ये इट यूज़ टू बी हिंदू हाउस और इसे हमने प्रिजर्व किया है। इसको हमने ख़राब नहीं किया, जो इसके स्टैचूज थे वैसे ही रखे हैं, इसको लकड़ी का जो काम हुआ था वैसे ही रखा है इसको। तो 1996 में हमने फिर इसको जो है रेस्टोरेंट में इसको चेंज किया। पीछे हमें नज़र आ रही है बादशाही मस्जिद और वो जो है वो है महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और वो गुरुद्वारा भी है। और यहाँ से हमें ये किला भी नज़र आ रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर इस कुकूज डेन से यहाँ से छत के ऊपर से नज़र आता है। कौन कौन यहाँ पे कुकूज पे आया आपके पास खाना खाने के लिए, मशहूर शख्सियात? जैसे अब इंडियन क्रिकेट टीम आई थी, जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई थी, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई थी, गुलजार साहब, हरिहरन, शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, और जगजीत सिंह, ये सारे यानी कि जो आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ, पॉलिटिशियंस काफ़ी आए हैं जी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ तक यहाँ हो गए, इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार साहब, काफ़ी। अच्छा भाई, सीन ये है कि यहाँ से लिफ्ट से आप आते हैं और यहाँ से आके आप ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जो ये वाली साइड है यहाँ पे है किचन और किचन के अंदर जो है ना वही जैसे नाम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान सर। मोहम्मद इमरान, क्या बना रहे? चिकन तवा कढ़ाई सर बना रहे। चिकन तवा कढ़ाई बन रही है भाई, बना रहे हैं यहाँ पे तवा पीस। और अभी हम चूँकि जल्दी आए हैं आपने तो बनना शुरू हुआ है काम का। जैसे आपका नाम क्या है? शेफ अली। शेफ अली, यहाँ पे ये मटन बन रही है। अच्छा भाई, ये बन रही है तो ये कढ़ाई तवा कढ़ाई डिफरेंट तरह की लग रही है उसको। जी जी सर। है जी, कढ़ाई तो बनती है कढ़ाई में जो हमने देखी है पेशावर में, कराची में। ये चिकन तवा कढ़ाई है सर, बहुत स्पेशल डिश है यहाँ। ये यहाँ की स्पेशल है जी सर। अभी इसको हाफ करना है, उसके बाद फुल फ्राई करेंगे सर। जब तैयार ऑर्डर आएगा ना फिर साथ साथ तैयार करते जाएंगे। करके अभी रख रहे हैं जी सर, ऑर्डर आते जाए तो फिर इसको। जी सर, 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। फूड में जो जायका है उसके लिए आप क्या करते हैं? वो यही है जी कि हम हमारे जो पुराने मसाला जात हैं हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मेरी जो नानी थी वो खुद एक बहुत अच्छी कुक थी। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो पटियाला से थी, इंडिया से थी, और वो काफ़ी अच्छी वो सब्जियां वगैरह और ऐसी चीज़ें बना लेती थी। वो कुछ रेसिपीज़ उन्हीं की हम लोग वो लेके चल रहे हैं। तो उनके जो उन्होंने हमें मसाला जात और उनकी मकदार बताई हुई थी कि उनको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना, सही वही वो लेके चल रहे हैं। वो ख़ानदानी रेसिपीज जो हैं वो अभी तक चले आ रही है, बहुत ही आला। नीचे बन रही थी भाई तवा टिक्का कढ़ाई और इस तरह की चीज़ें, और यहाँ पे लगा हुआ है ये बारबेक्यू और लाइव तंदूर। महमूद भाई बना रहे तंदूर, और तंदूरी पराठे भी यहाँ के बड़े जबरदस्त हैं। बड़े बड़े मशहूर। किधर बनते हैं? क्या काम इधर ही बनते हैं? अच्छा, क्या क्या रखा हुआ है? ये कलौंजी, कलौंजी में तो शिफा भी है, ठीक है। ये खशखाश है, नारियल पाउडर, पिस्ता बादाम, खशखाश, खशखाश, नारियल पाउडर, पिस्ता बादाम, और ये तेल और वो कॉकटेल है इधर वाले। और यहाँ बन रहा है बारबेक्यू। कैसे हैं भाई? लगा चुका सर, आप खैरियत है? बार भाई, ये नीचे का एरिया है? जी जी। बेसिकली ये हमने ऐसे ही प्रिजर्व किया है। जब ये एक हिंदू हाउस था तो जब हम आए थे तो हमने ये हमें चीज़ें ऐसे ही मिली थी। अच्छा अच्छा। तो हमने इनको ऐसे ही प्रिजर्व कर लिया। सही, ठीक है।
अब जैसे ये अंदर एक मंदिर बना हुआ है, सही सही सही, तो इसको हमने उसी हालत में रखा है जैसा 1947 से पहले था। मतलब आप लोग पटियाला से आए थे? जी जी, पटियाला से आए थे 47 से। और जो लोग यहाँ पे थे जी जी, वो फिर छोड़ गए इंडिया से। वहाँ ये किसी हिंदू का घर था और हमने उसी ऐसे ही इसको रिस्टोर किया। आपसे थोड़ा सा इसको रेनोवेशन करनी है क्योंकि जो पुराना बना हुआ है ज़रा थोड़ी सी चीज़ें डैमेज हो रही थी, इसलिए इसको हमने आम पब्लिक के लिए बंद किया। ये रेस्टोरेंट तो बना है 1996 में, और उसके बाद आम लोगों ने इन चीज़ों को सबको देखना शुरू किया है, लेकिन 1947 से 96 तक इन्होंने और इनके ख़ानदान ने ही सारी इसका हिफाजत करके रखी है, ख्याल करके रखा है, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके भाई, तो पूरे कुकूज़ का विज़िट करने के बाद, ये तारीख़ी चीज़ें देखने के बाद और किचन विजन का विज़िट करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ, और यहाँ बैठ के हम खाएंगे खाना। और ये जो व्यू है ना, सारे पैसे इस व्यू के हैं। और खाना हमारा आ गया है, और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई आई है, और मटन के कबाब आए हैं, और ये जो तंदूरी पराठा है ना, ये आप चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी पराठा है इनका फेमस। और इसके नीचे ये जो नान है, ये कलौंजी है इसके ऊपर, और तिल वाले नान है ये, ये भी बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, टेक्सचर इनका क्रिस्पी सा लग रहा है देखने में। और ये है हमारी चिकन कढ़ाई, जिसको हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनते हुए देखा भी था, और तवा कढ़ाई है ये, ज़रा डिफरेंट टाइप का आइटम है, टेस्ट करते हैं सबसे पहले कढ़ाई के साथ। ओके भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्ट करते हैं। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है कढ़ाई का, जो नॉर्मल रूटीन में रेगुलर हम खाते हैं, ये वैसी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, तवे के ऊपर बनी हुई है ये। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है, ख़ास तौर पे कलौंजी वाले नान के साथ तो मेरे ख्याल है कि इसका टेस्ट और भी दुबाला हो गया है। नान भी बहुत ही सॉफ्ट हैं, ऊपर से हल्के हल्के से क्रिस्पी हैं, टेक्सचर बड़ा मज़ेदार है इसका। क्या बात है। और अब भाई मैं ये ज़रा टेस्ट करता हूँ ये मटन के कबाब। स्पाइसी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो चपली कबाब की तरफ जाता हुआ भी मुझको लग रहा है। बहुत ही खुशबूदार, मसालेदार, लजीज मटन के कबाब, पराठे के साथ भी टेस्ट कर लूँ ज़रा से। वाह वाह वाह, वैसे तो इनका तवा तिक्का जो है ना वो भी काफ़ी फेमस है, लेकिन हमने जानबूझ के ज़रा ये कढ़ाई मंगाई है और ये मटन के कबाब मंगाए हैं, और दोनों ही चीज़ें अपनी जगह बहुत आला हैं। अच्छा भाई, जनरली जो है ना वो इस फूड स्ट्रीट के ऊपर आपको नॉर्मल रूटीन के रेस्टोरेंट से प्राइसेस थोड़ी सी हाई मिलेंगी, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, इस जगह की एक कल्चरल हेरिटेज वैल्यू है, और मेरे ख्याल में इट्स वर्थ टू पे अ लिटल एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे आके आपको सिर्फ खाने का तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी आपको मज़ीद मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके अबरार भाई, खाना हमने खाया, माशाल्लाह जो कढ़ाई थी ना वो वाकई में थोड़ा डिफरेंट तरह की थी, क्योंकि रेगुलर कढ़ाई तो हम खाते हैं लेकिन ये तवा कढ़ाई थी तो वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, और मटन की कबाब भी माशाल्लाह बेहतरीन थे। तो भाई लाहौर में आना है तो फूड स्ट्रीट के ऊपर, स्पेशली कुकूज़ डैन पर, इसलिए नहीं कि अबरार भाई मेरे साथ खड़े हैं लेकिन इसलिए क्योंकि इस जगह से जो है ना ये फूड स्ट्रीट बनी है, तो इस जगह की अहमियत अपनी जगह है और हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कौन कौन से लिमका है सर? हमारे पास सिर्फ लेमन का लिमका है इस टाइम, स्ट्रीट में लेमन का ही है, लेमन का। हाँ, इस टाइम इसकी डिमांड है इधर तो। भाई मटन के कबाब खाए हमने, और हमने खाई है कुछ उसके ऊपर कढ़ाई, तो उसके बाद लिमका तो बनता है। क्या क्या है आपको? कुल्फी है, फिरनी है, गरम गुलाब जामुन है, ड्रैगन पॉप्स, आइस गोला, मिल्क शेक है। ओके भाई, अदनान भाई का लिमका टेस्ट करते हैं।
मज़ा आ गया। काफ़ी सारे आइटम हैं यहाँ पे, आप गोला गंडा भी खा सकते हैं, लिमका भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं खाना खाने के बाद, आइसक्रीम भी खा सकते हैं। सारी चीज़ें इस फूड स्ट्रीट के ऊपर अवेलेबल हैं और एक मेले का समय है, हमें भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। और आखिर में अदनान भाई के लिमके ने तो सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो तड़का लगा दिया भाई माशाल्लाह। तो इसी ज़बरदस्त से लिमका के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।